न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद चेस ज्वेलरी मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट सुधा उद्योग पीएन घाटी आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स पीएसजे टीवीएस आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया गया है स्ट्रॉन्ग रूम जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के कड़े पहरे में है ईवीएम बीजेपी की अग्निमित्रा पाल इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर ईवीएम की सुरक्षा की जानकारी ली सीसीटीवी कैमरा से हो रही निगरानी पर जताया संतोष अग्निमित्रा ने पहले की तरह ही अपने जीत का किया दावा 200% एफर्ट देबो जते कोनो रकम लूपहोल ना थे कांग्रेस कैंडिडेट प्रसन्नजीत पुटिंडी ने भी स्ट्रॉन्ग रूम का लिया जायजा बंगाल पुलिस थकले भरोसा होता ना दुर्गापुर में नाका चेकिंग के दौरान करीब 1,00,000 कीमत के गांजा के साथ एक गिरफ्तार आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर 12 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ भीषण गर्मी के बीच 66.4% मतदान हुआ मतदान संपन्न होने के बाद मंगलवार की देर रात तक ईवीएम और वीवीपैट को डबल लॉक सिस्टम में 3-स्तरीय सुरक्षा के साथ आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया इससे पहले सभी विधानसभाओं के 2102 ईवीएम और 2102 वीवीपैट जमा होने के बाद सभी दलों के प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के मौजूदगी में स्ट्रांग रूम सील किया गया स्ट्रांग रूम की निगरानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सशस्त्र जवान कर रहे हैं यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है जिसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है सील किए गए स्ट्रांग रूम में जो ताला लगा है उसकी एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास और दूसरी चाबी ट्रेजरी में रखा गया है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी मतगणना 16 अप्रैल को होगा प्रत्येक विधानसभा का मतगणना अलग अलग हॉल में किया जाएगा पांडेश्वर रानीगंज जामुड़िया आसनसोल उत्तर आसनसोल दक्षिण कुल्टी और बाराबनी की मतगणना अलग अलग हॉल में की जाएगी इसके लिए बोर्ड लगाया गया है कि किस विधानसभा का मतगणना कहां होगा स्ट्रांग रूम देखने के लिए बुधवार को भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी प्रसन्नजीत पोतुंडी स्ट्रांग रूम पहुंचे स्ट्रांग रूम के निरीक्षण करने के बाद अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि उनके प्रतिनिधि यहां हैं मैं हर 2 घंटे के बाद आऊंगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहूंगी प्रसन्नजीत पोतुंडी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के हाथों में है इसलिए उन्हें भरोसा है कि स्ट्रांग रूम में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी यदि राज्य पुलिस के हाथों में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था होती तो नगर निगम की तरह ही स्ट्रांग रूम में छेड़खानी करने का मामला होने की संभावना थी लेकिन केंद्र सुरक्षा बल के सशस्त्र जवान मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहे हैं कुछ मानुष का देखा जाए अनेक बूथ है आसनसोल दक्षिण है आसनसोल उत्तर कैकटा बूथ है रानीगंज देखा जाए बूथर भेतरे एक ही लोक घंटा 3-4 सीसीटीवी चालानों पर লোক বারবার ঢুকছে যেখানে 1 মিনিট 2 মিনিটের বেশি কারোর এন্ট্রি নেই ক্যান্ডিডেট অ্যালাউ ছিল না সেখানে ওই ব্যক্তি কে এরকম কিছু কোশ্চেন অ্যারাইজ আমরা করেছি সেগুলোকে ওনারা নোট ডাউন করেছেন যে সে কে কেন ছিল প্রিজাইডিং অফিসারকে কল করে এবং বা এগুলো রিপোর্ট করা হবে স্ট্রং রুমের কী অবস্থা দেখে ঘুরে দেখলেন স্ট্রং রুম এখন পর্যন্ত ঠিকই আছে সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স আছে হয়তো বেঙ্গল পুলিশ থাকলে ভরসা হতো না সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স কালকে যেভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন আশা করা যাচ্ছে যে আগামী 3টে দিন এই 13, 14, 15 আশা করা যাচ্ছে যে হয়তো সেন্ট্রাল প্রাইমারি ভোটস ঠিকভাবেই তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং মানুষ যে রায় কালকে শান্তিপূর্ণভাবে আসানসোলের মাটিতে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেটুকু হয়েছে 200 মিটারের বাইরে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী নিজেদের ছেলেদেরকে দাঁড় করিয়ে মানুষকে ভয়ভীতি প্রদানের চেষ্টা করেছে কিন্তু সেন্ট্রাল প্রাইমারি ফোর্স বুথে তাদের দায়িত্ব 90% পালন করেছে 92.5% পালন করেছে কিছুটা এদিক ওদিক হয়েছে আশা করছি ঠিকঠাক भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने चुनाव आयोग से सभी बूथों का सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की है अग्निमित्रा पाल के मांग को मानते हुए बुधवार को चुनाव आयोग के द्वारा भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल को कई बूथों का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया यह सीसीटीवी फुटेज अग्निमित्रा पाल ने उस समय देखी जब वह स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने गई थी मौके पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय वाहिनी के हाथ में है इसलिए उन्हें भरोसा है कि यह लोग अच्छी निगरानी करेंगे नगर निगम चुनाव में स्ट्रांग रूम में जिस तरीका का खेला
झंडा हुआ ऐसा खेला इस बार नहीं होगा। यहाँ उनके कार्यकर्ता भी है, मैं भी हर 2-3 घंटे पर यहाँ आऊंगी। उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग से एक बार फिर से सभी बूथों का सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की थी, जिसके तहत वे सीसीटीवी फुटेज देखी, क्योंकि कल तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज भाजपा कार्यकर्ता उनको जगह जगह से रिपोर्ट दे रहे हैं कि बाराबनी, जामुड़िया और पांडेश्वर में कई बूथों पर रैगिंग किया गया है। ना स्ट्रॉन्ग रूम तो देखते ही आसबो, एक प्राय आसबो, 1-2 घंटा बाद ही आसबो, कारण आगे बार कॉर्पोरेशन इलेक्शने আমরা জানি যে যেরকম রিগিং করেছিল এই সরকার সেরকমই স্ট্রং রুমে 2 ঘন্টা কারেন্ট বন্ধ ছিল, কোনো টিভি সব বন্ধ করে দিয়েছিল। তো কীভাবে কি খেলা হয়েছিল আমরাও সব জানি, এবারে সেটা হওয়ার চান্স নেই, কারণ সিআরপিএফ সেন্ট্রাল ফোর্সের আন্ডারে রয়েছে। বাট তাও দেখতে এলাম, কারণ আমার ছেলেগুলো সব একা বসে রয়েছে এখানে, তো নেত্রী হিসেবে আমারও দায়িত্ব হয় ওদের কার্যকর্তা, আরেকজন কার্যকর্তা হিসেবে আমারও দায়িত্ব হয় ওদের পাশে দাঁড়ানো, তাই আমি এসেছিলাম দেখতে, আমি আবারও আসবো, ঘন ঘন আসবো। এখন কীরকম রয়েছে? তাই এখন ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সব সেন্ট্রাল ফোর্স দাঁড়িয়ে রয়েছে, তো সেভাবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। যদিও বা গতকাল কিছু কিছু জায়গাতে বারাবনী, পাণ্ডবেশ্বর, জামুড়িয়া এখান থেকে রিগিং হওয়ার কথা আসছে, আমি তো অনেকেই ঘুরেছি কালকে, কিন্তু সব খবর তো আমার কাছে আসেনি। আজকে সে খবরগুলো আসছে যে অনেকগুলো জায়গাতে রিগিং হয়েছে। আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা আরেকবার একটু দেখানোর আবেদন জানিয়েছি, তাই জন্য কোনো ফাঁক রাখবো না, 200% এফর্ট দিয়েছি, 200% পরিশ্রম করেছি, এবং এই জায়গাতেও মানে কাউন্টিংয়ের জায়গাতেও 200% এফর্ট দেবো, যাতে কোনো রকম লুপহোল না থাকে। আসানসোল में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम, डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथोराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS, 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहुरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट, 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहुरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीपवेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीपवेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहुरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर, LED TV, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5,000 रूपए तक का कैश बैक, तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड नियामतपुर और बर्डपुर रोड आसनसोल।
सेल जीत सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक जीत सेल का लाभ उठाएं और पाएं 70% तक की छूट। जीत सेल श्री बालाजी फैशन जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। लोकसभा उपचुनाव के नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा तस्करी करने के मामले में एक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए से अधिक कीमत की 15 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस हिरासत में आसनसोल जिला न्यायालय ले जाया गया। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव मंगलवार को चल रहा था। पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न हिस्सों में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस चौकियों के द्वारा नाका चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी। सिटी सेंटर बस स्टैंड पर दिन भर नाका चेकिंग चलती रही। मंगलवार की शाम दुर्गापुर के नववारिया निवासी झंटू धारा पुलिस को शक से बचने के लिए साइकिल पर 15 किलो गांजा लेकर जा रहे थे। गुप्त सूत्र से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने झंटू धारा नाम के युवक को गांजा से भरे बैग के साथ पकड़ लिया। दुर्गापुर सिटी सेंटर चौकी की पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी तस्कर का सिटी सेंटर में युवक का साइकिल स्टैंड है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गांजा तस्करी की खबर वीरभूम से आई थी। गांजा तस्करी मामले में आरोपी झंटू धारा को 12 दिन की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए आसनसोल जिला न्यायालय भेजा गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस घोटाले में कोई और शामिल तो नहीं। शिल्पांचल के प्रसिद्ध चंद्रचूड़ मंदिर में गाजन उत्सव के अवसर पर गाजन मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में लगभग 2,00,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसके बारे में श्रावणी मंडल ने बताया कि यहां लगभग 200 वर्ष से अधिक समय से गाजन उत्सव का आयोजन होते आ रहा है। इस उत्सव में मंदिर के आसपास के ग्राम रघुनाथ बाटी, सुईडी, मरीज कोटा, आसनसोल के अलावा झारखंड एवं अन्य प्रदेशों के लोग भी आते हैं। सुबह से ही भक्तों का समागम शुरू हो गया है। गाजन के दिन विशेष रूप से बाबा चंद्रचूड़ की पूजा की जाती है। रात भर महिलाएं और पुरुष प्रदीप जलाकर जागरण करते हैं, फिर सुबह अपने घर चले जाते हैं। यहां 3 दिनों तक मेले का कार्यक्रम होता है। इस दौरान भजन कीर्तन बाउल गान का भी आयोजन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल ग्राम में भी गाजन उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल के रामसार मैदान के समीप स्थित महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। काफी संख्या में लोग कष्टी करते हुए मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान सचिन राय ने बताया कि आसनसोल ग्राम का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। यहां प्रतिवर्ष गाजन उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल गाजन उत्सव का यह 327वां साल है। इसकी शुरुआत रामकृष्ण राय के द्वारा की गई थी, जो आज भी जारी है। आज के अनुष्ठान हे आसनसोल ग्रामे आसनसोल सब प्राचीनतम गाजन उत्सव एवं आज के 327वां एवं नकड़ी रामकृष्ण राय जिन्हें आसनसोल प्रतिष्ठाता छें शुरू कर गए आज पर्त सबिकी प्रथाय से गाजन उत्सव मेनटेन कर देखें समस्त शिल्पांचल आबाल वृद्ध बनिता सबाई एखे आसे यही दिन पुजो देवार जमे नीलर पुजो एट नीलकंठेश्वर मंदिर सामने देखें समुद्र मंथन छवि से बचर एवं मंदिर किछु साजसज्जा एगुलो बाड़िए चाहिए शिल्पांचले सबाई जाते ये अनुष्ठाने जुक्त है एवं शिल्पांचले जाति धर्म निर्विशेषे सबाई एखाने आसे ये शिल्पांचले पुजो दे तादेर मनस्कामना पूर्णर जन्य। विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आए और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गार्मेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबर्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहां मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर N250, F250 भी। यहां सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में बजाज ऑटोमोबर्स, जीटी रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर।
नंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टेक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 8436000010। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुड़ाई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध बाबा चंद्रचूड़ मंदिर में नील पूजा यानी कि गाजन पूजा के उपलक्ष्य पे प्रत्येक साल की भांति इस साल भी प्रियांशु सेवा फाउंडेशन की तरफ से भक्तजनों के लिए शरबत पानी का व्यवस्था किया गया, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक हजारों हजारों की संख्या में लोग पानी या शरबत पीते हैं। प्रियांशु सेवा फाउंडेशन चेयरमैन उत्तम पांडे ने कहा, 2018 से ये संस्था लोगों के हित में काम कर रहा है और प्रत्येक साल की तरह इस साल प्रसिद्ध बाबा चंद्रचूड़ मंदिर में नील पूजा के उपलक्ष्य में हमारी संस्था काम कर रहा है। समाज सेवी राहुल रघु चौबे ने कहा कि जब हम छोटे थे, अपने माँ पिताजी के साथ आते थे नील पूजा में प्रसिद्ध बाबा चंद्रचूर मंदिर में, तब पानी की समस्या बहुत ज्यादा रहता था, इसलिए ये प्रियांशु सेवा फाउंडेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने 8 साल से लोगों के लिए फाउंडेशन सेवा का काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ नील षष्ठी पूजो है बाबा चंद्रचूड़ मंदिर। हमारा यहाँ जल शरबत सब जत दर्शनार्थी थे तेज सब जल शरबत खवाय এবং কি বিগত 7-8 বছর ধরে আমরা করে যাচ্ছি। আমাদের একটা এনজিও ফার্ম আছে প্রিয়াংশু সেবা ফাউন্ডেশন নামে, সেই সংস্থাটা নিয়ে আমরা সবাই মিলে যতটা পারি প্রতি বছর জল শরবত খাওয়াই। আপনারা সকলে অবগত আছেন এখানে আমাদের চন্দ্রচূড় যে মন্দির, সেই চন্দ্রচূড় মন্দিরের সবচেয়ে বড় যে উৎসব সেটা নীল পুজোর উৎসব। এই নীল পুজো উপলক্ষে চন্দ্রচূড় মন্দিরে লক্ষ লক্ষ লোকের আগমন হয়। আমরা আগে ছোটতে আসতাম, দেখতাম এখানে যে ভক্তরা সারাদিন ধরে 24 ঘন্টা ধরে আলাদা জায়গায় থাকে, তাদের জন্য পানীয় জলের খুব অভাব হতো, সেটা আমরা ফিল করেছিলাম। তাই আমাদের প্রিয়াংশু সেবা ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে বিগত 8 বছর থেকে যাতে কোনো ভক্ত যাতে জল পানীয় জলের অভাব না হয় তার জন্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পানীয় জল এবং শরবত দিয়ে আমরা ভক্তবৃন্দদের জন্য আয়োজন করি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहुरा फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, ली बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, PSJ TVS।